Thank you.
मंच पर हम सबकी जोरदार तालियों के सहारे मंच पर विराजमान है आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारतीय क्रिकेट टीम की चयन समिति के अध्यक्ष एवं पूर्व की इस धन्य धरा पर इस महान शख्सियत का हम दिली इस्तकबाल करते हैं, हार्दिक स्वागत करते हैं। अध्यक्ष हमारे बीच में तशरीफ ला रहे हैं, सीओए मेंबर ईपीसीएच एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी श्रीमान प्रिंस जी मलिक साहब, जोरदार तालियों के सहारे साहब का भी स्वागत और अभिनंदन करते हैं। समूचे सूबे स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच में हैं जिले के प्रथम नागरिक परम सम्माननीय जिला प्रमुख महोदय श्रीमान महेंद्र जी चौधरी साहब, आपका भी जोरदार तालियों के सहारे स्वागत और अभिनंदन करते हैं। श्रीमान रावत त्रिभुवन सिंह जी तशरीफ फरमा रहे हैं, साहब का भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। प्रधान साहिब श्रीमती जेठी देवी जी, आपका भी बहुत सारा स्वागत और अभिनंदन करते हैं। इसी कड़ी में प्रधान पंचायत समिति चौहटन श्रीमान रूपाराम जी सारण, प्रधान पंचायत समिति शिव श्रीमान महेंद्र जी जाणी और बतौर विशिष्ट अतिथि हमारे बीच में है दमा देवी जी। चेतन जी शर्मा ये छूट जाए, एक ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने वर्ल्ड कप में हैट्रिक लाने का, ऐसी यादगार स्वागत की जो रस्म है उसकी अदायगी कर रहे हैं। दर्शकगण से निवेदन है कि जोरदार ताली के साथ आप इस रस्म को अंजाम दें। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार पुनः आप तमाम साहिबान की करते हैं आप सभी का। कार्यक्रम के अगले पायदान पर हम अभिनंदन करते हैं।
आदरणीय जिला प्रमुख महोदय का। समारोह के सम्मान आप करतल ध्वनि बजाएं, जोरदार तालियों। यदि आप बड़ा होला नहीं तो भी उम्र है स्टेडियम की, मैंने आप ही गाँव वाला जका मारे संस्था का कौन चले चौटन में भवेंद्र जी जाए पूरे जिलो इंडिया को फायदो ले सके। और जो को स्टेडियम बनेला स्टेडियम के हाथे मारो कौन है जो को स्टेडियम बना स्कूल ने गांव ने सुपुर्द करनो मारे तो टापर इतना मन आवला को ने आई तो अपने गांव वालों में को तो बीने बाद की जगह जिम्मेदारी है बा मन पहले इठा है कि थे लोग पूरी तरीके निभा सको ना आगे भविष्य में इनको के करनो है। एक बार वो कंस्ट्रक्शन को कौन मुझे इमो पांच चरण लागे ला तो भाई कौन है एक एक चीज हम करनी पड़ेगी। पहला 200 मीटर को ट्रैक बनावा है क्योंकि जिग्या कम है बस कहना ना 400 मीटर को बनाना पड़ी 400 मीटर को ट्रैक बना दो तो जिग्या के भी तो कई तरह की चीजों हैं जबकि मेरे लोग अजीब भी एक्सरसाइज करो के जितनी अपने के उपलब्ध है बिना ज्यादा कीकर उपयोग कर सको पांच फेज में कंप्लीट हो ये लोग धीरज राख दो सहयोग राख दो और पक्की बात मान दो कि सवो गांव हिंदुस्तान के मैप के लोग नक्शे के लोग सवे नाम में सच्ची की जान को उठाने को लोग यार कहते कि सवे वो इतनी नौ फोटो को तुमने हासान वाले अपनी था ऐसा वो कहीं दिखाए गए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। गांव की कई प्रतिभाओं को प्रोत्साहन मिलेगा। फूलों रो कहीं माज लो मैं तो पलकाड़ियां बिछाए मेरे मेहमान और पावणा कदा कदा घर आए हमारा राजस्थान के स्वागत कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे खेल में आर्थिक तंगी के चलते वे बच्चे न खेलों में अपना करियर बना पाते हैं और न ही ओलंपिक तक जाने के सपने देख पाते हैं। हमारे गांव में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, कमी है तो संसाधनों की कमी है। इस ये बहुत अच्छी बात है जब आप इंडिविजुअल होकर स्टेडियम बनाते हैं और उमर जी ने जो आज ये किया बच्चों के लिए एक इंटरनेशनल स्तर का स्टेडियम बना रहे हैं बच्चों को फैसिलिटीज मिलेगी इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। मतलब नमन है उनको और बहुत ही बेहतरीन काम किया। ग्रामीण प्रतिभाओं को कितना मौका मिलेगा इस तरह के जगहों से? देखिए अगर ऐसे स्टेडियम बनेंगे जगह जगह पे आगे आएंगे रूमा जी जैसे सभी लोग और क्यों नहीं मिलेगा। देखिए बच्चों को अगर आप फैसिलिटी दे रहे हैं खेलना सभी चाहते हैं लेकिन फैसिलिटी मिलनी जरूरी है। तो मैं बहुत आदर से रमा जी का भी धन्यवाद करता हूँ जैसे ये स्टेडियम का वो किया आज काम शुरू किया बहुत ही बेहतरीन और आप बाड़मेर वाले को सभी को मुबारक। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। छोटे से गाँव में इतना आधुनिक खेल स्टेडियम बनाए काफ़ी टाइम से सोच रहे थे। 3 सालों से ये हम इस पे काम कर रहे थे कि हमें स्टेडियम बनाना है। पहले हम छोटे लेवल का सोच रहे थे फिर हमें लगा कि यहाँ पे जो खिलाड़ी है वो धूप में नहीं खेल सकते क्योंकि बाड़मेर का टेम्परेचर इतना ज़्यादा है। तो हमने फिर इसको इंडोर गेम्स के लिए अलग अलग कोर्ट्स बनाने के लिए सोचा और ये आज 10 करोड़ का जो प्रोजेक्ट बनाया है और ये स्टेडियम बनाया है ये हमारे गांव के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। खेल प्रतिभाएं हैं उन्हें कितना बड़ा मौका दे दिया है आज आपने? देखिए वो तो खेल प्रतिभा ही बता पाएगी और हमारी तरफ से हम पूरा प्रयास करेंगे कि उनको बेटर से बेटर सुविधाएं मिले। ग्रामीणों में कितना उत्साह देखने को मिला आज भूमि पूजन? बहुत अच्छा देखने को मिला क्योंकि ग्रामवासियों को लग रहा है कि हमारे गांव में इतना बड़ा स्टेडियम बन रहा है तो निश्चय ही हमारे यहां के जो बच्चे हैं वो ओलंपिक तक जा सकेंगे। 10 करोड़ की लागत से स्टेडियम बन जाएगा उसके बाद प्रॉपर मॉनिटरिंग हो देख रेख हो इसके लिए भी कोई प्लान है? वो भी हम पूरा प्रयास कर रहे हैं और आगे चलने के लिए ही बना रहे हैं। थैंक यू मैम।